हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है दोपहर का एक और मैं वही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ जो आपको लास्ट दिखा था, मतलब कल वाला वीडियो। और नहाने धोने के बाद मैं अभी पहन रही हूँ सिंदूर, और बस वही सिंदूर ही पहनती हूँ। उसके बाद करनी है पूजा, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। आपको मैंने दिखाया था कि एक बज गया है, तो हाँ एक बज गया है। अभी मैं पूजा पाठ करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, पता नहीं कब मेरा काम ख़त्म होगा। और पता है, एक हफ्ते से मैंने पूजा नहीं किया था, तो हस्बैंड और बबलू ने पूजा घर की हालत बहुत ख़राब कर रखी है, क्योंकि अगरबत्ती दिखा दिखा कर अब समझ ही लो प्लेट पूरा जो भी है। एक हफ्ता अगर लेडीज़ ना घुसे अंदर पूजा रूम में तो कैसी हालत होती है। तो मुझे ये सारा क्लीन करना है, पूजा करना है, और उसके बाद मुझे करनी है लंच की तैयारी। आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, हो एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है दोपहर का 2:30 और मैं अभी खाना बना रही हूँ। सब लोग खा पी के सो गए होंगे और मैं अभी खाना बनाने आई हूँ। सुबह से बहुत सारा घर का काम था, काम ख़त्म करके अभी पूजा पाठ ख़त्म हुई और मैं अभी आई हूँ। यहाँ पर मैंने तूर दाल बिठाया है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद बनाने वाली हूँ सांभर। यहाँ पर सांभर बनाने के लिए जो जो चाहिए था मेरे पास वो नहीं था, जो भी मतलब बैंगन आलू और गाजर के साथ सांभर बनाया मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डालती है, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। भूख भी लगी है, पता नहीं खाना कब बनेगा, कब मैं खाऊंगी। अभी हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, बोलेंगे कि खाना बन गया क्या। मैंने थोड़ी सी इमली भी मैंने भिगो दी है, क्योंकि ये मैं सांभर में डालूंगी। परफेक्ट हाउसवाइफ तो मैं नहीं बन सकूंगी शायद, पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ एडजस्ट करने की। जो भी है, जैसा जैसी भी हालत हो उसी में मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। एक सब्जी बनाकर भी मैं खिलाती हूँ तो भी इनको अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी बना दो, मतलब जो भी बनाते हैं हम प्यार से बनाना चाहिए, तो वो हर इंसान को अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी वैरायटीज़ बनाते हैं, लेकिन मैं भी बनाती हूँ कभी कभी बहुत सारी वैरायटीज़। जैसे मतलब मन करता है मैं बहुत सारी वैरायटीज़ बना देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस एक ही कुछ भी एक बना देती हूँ, उसी में खा लेते हैं और बहुत मन से खाते हैं, वही मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर दाल को फ़ौरन डाल रही हूँ जो सांभर बना रही हूँ। तो पहले ना मैंने आलू बैंगन और जो गाजर था उसको मैंने फ्राई कर लिया था, उसको हटा के अभी मैंने उसमें तेल डाला, और तेल में थोड़ा सा सरसों जीरा सूखा मिर्ची डाला था, और उसके बाद मैंने डाला कड़े पत्ता और प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है, कभी कभी डाल देती हूँ वैसे, अभी मैं नहीं डालूंगी। तो दाल को उबलते वक्त मैंने डाले थे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और 2 टमाटर डाले थे, क्योंकि टमाटर से ना थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी सी लगती है और यहाँ के लोग डालते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब इमली इमली का पल्प भी डालते हैं और टमाटर भी डालते हैं, दोनों खटाई डालते हैं इसमें। तो मैंने डाला है और वहाँ पर मेरी फ़ौरन भी रेडी हो गई है। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सांभर बना रही है पर सांभर मसाला तो ऐड ही नहीं किया, मैंने ऐड नहीं किया सांभर मसाला, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही बिना सांभर मसाला के ही मैं सांभर बनाती हूँ। वैसे ना यहाँ के लोग सांभर मसाला अगर ना डाले तो उसको कहते हैं पप्पू चारू, तो मैं वही पप्पू चारू ही बना रही हूँ। तो ये है अगले दिन सुबह की वीडियो, और मैं उस दिन वीडियो और नहीं बनाई थी, बहुत टायर्ड हो गई थी। वैसे ही खाना खाते खाते बज गया था 4, और यहाँ पर हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के लाए थे, मेरे लिए नहीं हमारे लिए, हम दोनों पी रहे थे, और पानी का बॉटल खाली हो गया था तो मैंने बोला कि पानी और ले आओ मुझे पीना है। और उठते ही मतलब मूड ऑफ हो गया मेरा, क्योंकि अम्मा नहीं आई थी। वैसे ही मुझे लेट हो गया था उठते उठते, और अम्मा हस्बैंड आके बोले कि अम्मा नहीं आई है झाड़ू लगाने, मतलब नीचे ना वो झाड़ू लगा के जाती है पार्किंग और बाहर गेट के पास। तो अब मुझे भी मुझे जाना है, बबलू के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, क्योंकि बबलू का जो एग्ज़ाम भी है।
तो मैं चाय पीते ही मुझे एनर्जी थोड़ी मिल जाती है, तो मैं चाय पीकर निकलूंगी। अभी नीचे झाड़ू वाड़ू लगाना है। और आप लोग क्या बता सकते हो ये कौन सी सब्जी है, क्या आप लोग ये खाते हो? ये है अरवी का जो रूट होता है, वही है। इससे ना ब्लड बहुत प्यूरिफाइड होती है। तो हस्बैंड इसको मुझे निकाल के दे रहे हैं, 2-3 दिन हो गए थे लाए हुए, बनाया नहीं था, तो निकालने में नहीं बहुत टाइम लगता है। तो हस्बैंड वही कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे मुझे, क्योंकि शुक्रवार के दिन उनको कहीं मंदिर वंदिर जाना नहीं होता है। वो सैटरडे को जाते हैं, थर्सडे को जाते हैं, पर शुक्रवार को नहीं जाते हैं। तो मैंने बोला था मुझे थोड़ा सा ये कर दो, क्योंकि लेट हो रही थी मुझे, तो मैंने इसे ना थोड़ा सा उबाल लिया था, थोड़ा सा लाइट से उबाला, और उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची के साथ इसको फ्राई किया। वैसे बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ज़्यादा हम लोग ना फूल गोभी ये सारा कुछ, मतलब इस सब सब्जियों में ना मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, पर इसमें तो ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं है। हरी मिर्च हल्दी नमक के साथ ही आप बना लो, बहुत अच्छा भी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसको बनाया, ये फ्राइडे वाला वीडियो है ना, तो मैंने लंच में ये वाला बनाया था, और क्या बनाई थी मुझे याद नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे, अभी है शाम का 4, मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने, किसी का ड्रेस सिल रही हूँ। फ्रेंड ये देखो, ड्रेस का मैंने बनाया आधा अधूरा, मतलब ना इधर का हाथ बनाना बाकी है, अभी हैंड्स लगाना बाकी है, और बाकी बॉडी इसकी बन गई है, पूरा बन गया। जब हैंड सिलेगा ना तब इसको साइड, मतलब उसकी फिटिंग होगी। और हैंड्स जो हैं यहाँ पर हैं, मैं इसको छोड़ दी हूँ, और क्यों छोड़ी हूँ वो बताती हूँ। ये देखो दोनों हैंड्स हैं, बस इसको अभी थोड़ा सा काम इसमें है, तब मैं इसको लगाऊंगी। ना अभी शाम का टाइम हो गया है, 5:45 बज रहा है, 5:45 को संध्या हो जाती है, बाहर का हाल देखो। तो अभी मुझे करना है दिया बाती, और उसके बाद चाय पीऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद कंप्लीट करूंगी ड्रेस को, क्योंकि ना पूजा तो टाइम पे करना ही है। भगवान जी की दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, और पूजा करना है मुझे अभी। तो था ना, आज मेरी जिठानी, बड़ी वाली जिठानी ने आज फास्टिंग रखी थी, उसका आज पूजा था, इतू पूजा। वो मतलब बचपन से ही कुछ करती हुई आई है इतू पूजा, तो वो उस चीज़ का मतलब उस पूजा का आज फास्टिंग करी है। तो उसने ना ढेर सारा यहाँ पर प्रसाद भी दे रखा है, देखो। मुझे आज मतलब पूजा करने के बाद में बबलू के लिए कोई नाश्ता बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रसाद जिठानी मेरी दे गई है ना, वही प्रसाद से पेट भर जाएगा, शायद डिनर भी हो जाए। चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। नहीं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आज सैटरडे, अभी सुबह का 6:30, और मैं उठ गई हूँ इतनी जल्दी जल्दी। आज तो बबलू का कॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैं उठ गई हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है। कल मैंने वीडियो एडिट नहीं किया है, अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब नींद तो आ रही थी, मैंने सोचा कि सो के ऐसे टाइम पास करूँगी तो वो रह जाएगा, और सिलाई का काम भी आज है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वीडियो एडिट करने के लिए मैं उठ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, ब्रश मेरी हो गई है, चाय पीऊंगी, एडिट करूंगी। अभी हस्बैंड आते आते 1 घंटा और करेंगे, क्योंकि छुट्टी है ना पप्पू का, इसलिए। तो यहाँ पर अम्मा आ गई थी, और अम्मा ने कहा कि कल से आऊँगी, मतलब मैंने सोचा कि शायद 1 हफ्ता का वो छुट्टी लगा ले, पर उसने कहा नहीं, छुट्टी मुझे नहीं करना है, मैं आऊँगी। और अपनी बेटी की ड्रेस सिलवाने आई थी, और साथ ही मैंने वो ड्रेस भी सिल दिया था, और एक ब्लाउज भी बनाया था, वही तुरपाई करने बैठी थी। और बहुत बुरा लग रहा है राजू के लिए, क्योंकि रोज़ ही मैं खबर ले रही हूँ, मतलब हस्बैंड जा रहे हैं आ रहे हैं,
मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन खबर ले रही हूँ। और मतलब वो रहेगा कि चला जाएगा, मतलब घर जाएगा तो अपने घर वालों के साथ रह पाएगा ना, तो अच्छी बात है वो अपने घर वालों के साथ ही रहेगा। लेकिन बुरा यह लग रहा है कि हमारे साथ इतने सालों तक रहा, अभी हमारे से दूर जा रहा है, तो वही मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम उससे बिछड़ जाएंगे।